अक्षय गांधी बम के नामांकन वापस करने और बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से किनारा करके मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया गया है। 29 लोकसभा में से अब 2 लोकसभा सीट हो गई जहां कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है और अब जहां जहां नामांकन वापसी का समय बचा है वहां कांग्रेस को दिल थाम कर बैठना चाहिए, फिर से बड़ा झटका लग सकता है। वहीं मामले में के मिश्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का पोस्ट पर जवाब देते हुए उन्होंने तंज कसा। देखिए, इंदौर के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज कांग्रेस से किनारा करके मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी सामूहिक नेतृत्व के समक्ष उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जताया है उसके लिए उनका बहुत स्वागत है। 29 लोकसभा में से अब 2 लोकसभा ऐसी हो गई हैं जहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो इससे ज्यादा दुर्गति राहुल गांधी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या होगी, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अभी और जहां जहां पर नामांकन वापसी की तिथियां शेष हैं कांग्रेसियों को शाम तक दिल थाम कर बैठना चाहिए, न जाने क्या हो जाए।